हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य हैं जो बिल्कुल अद्भुत हैं। दुनिया कई अजीबो गरीबों रहस्यों से भरी हुई है। आज हम इस फिल्म में मोर यानी पिकॉक के बारे में 15 रोचक तथ्य के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हम दुनिया के सभी रहस्यों को जानेंगे, जिसमें विज्ञान, तकनीक, मनुष्य, पेड़ पौधे, स्वास्थ्य, पशु पक्षी और जानवरों के अलावा कई चीजों के बारे में भी रोचक जानकारियों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 15 ट्रू फैक्ट्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 1, केवल नर मोर को पिकॉक कहते हैं, मादा मोर को पीहेन कहा जाता है। वैसे तो मोर को सामूहिक रूप से पी फाउल के नाम से जाने जाते हैं और इनके बच्चे पिचिक्स कहे जाते हैं। 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी इनकी खूबसूरती के कारण घोषित कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो मोरों की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 2 एशियाई मूल की और 1 अफ्रीकी मूल की है। नीले कलर की भारतीय मोर और हरे कलर की मोर एशियन प्रजाति है। अफ्रीकन कांगो पिकॉक अफ्रीकी प्रजाति की है। मोर मुख्यतः भारत, श्रीलंका और वर्मा में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो पक्षियों का राजा होने के कारण प्रकृति ने इसे सिर पर ताज जैसी कलंगी लगाई है। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। फैसियानिडाई परिवार के सदस्य मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। प्राचीन काल में मोर का पंख का इस्तेमाल लेखनी के रूप में भी खूब किया जाता था। इसे स्याही में डुबोकर लेखन किया जाता था और हमारे पुराने साम्राज्य जैसे कि मौर्य साम्राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह मोर ही था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रचलित सिक्कों में एक ओर मोर की आकृति अंकित होती थी। फैक्ट नंबर 4, मोर मुख्यतः जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं। वैसे तो मोर उड़ सकते हैं, लेकिन केवल सीमित दूरी तक, शिकारी से बचने की कोशिश में या रात में पेड़ की ऊंचाई पर सोने के लिए उड़ान भरते हैं। फैक्ट नंबर 5, मोर खेतों, जंगलों और गर्म क्षेत्रों में निवास करना इनका पसंदीदा स्थान है। इन्हें निवास के रूप में ऐसे क्षेत्र पसंद है जो उन्हें पौधे और कम ऊंचाई के पेड़ों तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। इस तरह इनके लिए भोजन प्राप्त करना भी आसान होता है। ये वर्षा वनों, रेन फॉरेस्ट और झाड़ियों, बुशलैंड में भी पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है मोर की दौड़ने की औसत रफ्तार 10 मील प्रति घंटे यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और इतनी ही रफ्तार से उड़ भी सकते हैं। धरती पर सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक मोर ही है। इसके पंखों का फैलाव 1.30 मीटर के करीब होता है। फैक्ट नंबर 7, वैसे तो मोर सर्वहारी होते हैं। ये मुख्य रूप से अनाज, घास, फल, पत्ते, बीज, फूलों की पंखुड़ियां, चींटियां, कीड़े, दीमक, टिड्डियों, चूहे, छिपकली, सांप आदि को बड़े चाव से खाते हैं। फैक्ट नंबर 8, जंगल में पाए जाने वाले मोरों का जीवन काल शिकारियों और कठोर मौसम के कारण लगभग 20 वर्ष तक की आयु तक सीमित रहता है, लेकिन चिड़ियाघर या अन्य सुरक्षित स्थानों में रहने वाले मोरों का जीवन काल लगभग 50 वर्षों का होता है। फैक्ट नंबर 9, नर मोर मेल पिकॉक आकार में मादा से दोगुना होता है। मोर का वजन 4 से 6 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि मोरनी पीहेन का वजन लगभग 2.75 से 4 किलोग्राम तक हो सकता है। मोर की लंबाई लगभग 6 से 7 फीट तक हो सकती है, जबकि मोरनी की लंबाई लगभग 3 से 3.5 फीट तक हो सकती है। फैक्ट नंबर 10, नर मोर के सिर पर मुकुट के समान खूबसूरत कलगी होती है। इसके रंग और आकार में प्रजातियों के अनुसार भिन्नता हो सकती है। मोर की आंखों के ऊपर और नीचे सफेद रंग के धब्बे भी होते हैं। मोर की खूबसूरत रंग बिरंगी पूंछ को ट्रेन कहा जाता है। इसमें लगभग 150 पंख होते हैं। हिंदू धर्म में मोर का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख सजा होता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन भी मोर ही है। फैक्ट नंबर 11, मोर की पूंछ उसकी पूरी लंबाई का 60% हिस्सा होती है। नर मोर की पूंछ रंगीन और सुंदर होती है। यह लाल, सुनहरे और हरे रंग के पंखों से बनी होती है और इसमें खूबसूरत छोटे छोटे क्रिस्टल जैसी संरचना होती है, जिसे अलग अलग कोणों से देखने पर इसका रंग बदलता हुआ सा प्रतीत होता है। बतख और अन्य पक्षियों के विपरीत मोर पानी में प्रवेश नहीं कर सकते और न ही तैर सकते हैं। उनके पैर जमीन पर मजबूती से टिके रहने में सक्षम होते हैं, लेकिन पानी में तैरने वाले अन्य पक्षियों की तरह झिल्लीदार पैर न होने के कारण ये पानी में तैर नहीं सकते। फैक्ट नंबर 12, मोर एक आक्रामक पक्षी है और अपने क्षेत्र में अजनबी या यहाँ तक कि नए मोर के प्रवेश को भी मंजूरी नहीं देता है। मोर में एक अजीब व्यवहार होता है। ये जमीन पर अपने घोंसले बनाते हैं और पेड़ की ऊंची डाली पर बैठते हैं। फैक्ट नंबर 13, आपको बता दें कि मोर के पंखों के लिए शिकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये गर्मी के मौसम में खुद ब खुद अपने पंखों को झाड़ देते हैं। नर मोर एक से अधिक मादाओं से संबंध
मनाते हैं। इसके लिए नर मोर एक समूह हरमेन मनाते हैं जिसमें 2 से 5 मादा होती हैं। आमतौर पर मोरनियां प्रजनन के लिए अपने साथी का चुनाव आकार, रंग, पंखों और पूंछ की सुंदरता देखकर करती हैं। प्रजनन काल के समय नर मोर सुंदर पंख फैलाकर मादा को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। फैक्ट नंबर 14, एक मोर के पैरों में 4 उंगलियां होती हैं, जिनमें से 3 आगे की ओर और 1 पीछे की ओर पॉइंट करती है। उंगलियों की ऐसी संरचना मोर के लिए शाखाओं को पकड़ने और पेड़ों में घूमना आसान बनाती है। इसके सिर पर भी कुछ पर होते हैं जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। फैक्ट नंबर 15, मोर समूह बनाकर रहने वाला पक्षी है। यह अकेला रहना पसंद नहीं करता। इसमें समूहों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। पीहन के समूह को बेबी कहा जाता है। इसे मस्टर या पार्टी भी कहा जाता है। मोरनी का प्रजनन काल जनवरी और मार्च के मध्य में होता है। ये एक बार में 3 से 6 अंडे देती है। अंडे सेने का काम मादा ही करती है। 28 दिनों के बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। जन्म के समय मोर के बच्चे का वजन 103 ग्राम होता है। ये जन्म से ही बच्चे चलने फिरने, खाने पीने में सक्षम होते हैं। नर मोर जन्म के बाद 6 माह तक दिखने में मादा मोर की तरह ही होते हैं। 6 माह बाद ही उनमें बदलाव आने लगता है। उनकी कलगी और पूंछ 3 वर्ष बाद आती है। तो आशा करता हूँ आपको ये फैक्ट जरूर पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही मजेदार और रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल 15 ट्रू फैक्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।